हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप जेंट्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, गर्ल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर के ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, अब धागा हमने पीछे कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदों में पैटर्न डालना है, तो ये दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, ये देखिए, और एक फंदा बना दिया। फिर इन दो फंदों को स्लिप करेंगे। फिर देखिए जो सेकंड दो फंदों में से देखिए जो सेकंड नंबर का फंदा है उसे फिर हम एक बार लेफ्ट नीडल से उठाएंगे ऐसे, और इससे हम दूसरा फंदा बना लेंगे। ये दो फंदों में हमारा पैटर्न आ गया। धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुने। अब तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए धागा पीछे करेंगे और देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों में पैटर्न डालना है। यहाँ पे देखिए हमने ये तीसरी सिलाई लेनी है और आगे के देखिए दो फंदे उतार लेंगे। ये दो फंदे उतारे और इन दो फंदों को देखिए आगे की साइड ऐसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन देंगे। ये एक फंदा उल्टा बुन दिया। अब देखिए तीसरी सिलाई में जो दो फंदे हैं इनको हमने लेफ्ट नीडल में शिफ्ट कर देना है ऐसे, ये देखिए। अब धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे, एक और दो। तो देखिए ये पांच फंदों में हमारा पैटर्न आ गया। अब देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन। ये तीन फंदे उल्टे बुने। फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए दो फंदों में पैटर्न डालेंगे। ये देखिए ये दो फंदों को एक साथ बुना, एक फंदा बनाया, फिर इन दो फंदों को स्लिप करेंगे। फिर इन दो फंदों में से देखिए जो दूसरे नंबर का फंदा है इसको उठाएंगे लेफ्ट नीडल से और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। ये देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, अब देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड। अब देखिए फ्रंट साइड से जिन दो फंदों में पैटर्न बना है इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए फ्रंट साइड की तरफ से देखिए जो तीन फंदे उल्टे आए हैं इनको देखिए तीन फंदे बैक साइड से सीधे आएंगे। ये देखिए पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है, धागा अपनी साइड। अब देखिए फ्रंट साइड की तरफ से देखिए जिन पांच फंदों में पैटर्न आया है इनमें से देखिए दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे। अब देखिए फ्रंट साइड की तरफ से देखिए जो एक फंदा उल्टा बुना है हमने, ये एक फंदा बैक साइड से सीधा आ जाएगा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी साइड। ये देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए ये बैक साइड से हमारे पैटर्न की सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदों में पैटर्न डालना है,
ये दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और इनसे दो फंदे बना लेंगे, ये ऐसे, ये देखिए धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे। और देखिए ये जो सेंटर में हमारा, देखिए पांच फंदों में से देखिए जो सेंटर में एक फंदा उल्टा है, यहाँ पे देखिए एक फंदा उल्टा और बनाएंगे। तो देखिए ये ऐसे यहाँ से धागा उठाएंगे और इसको भी देखिए ऐसे लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे उल्टे बुनने, ये एक देखिए जो धागा उठाया एक फंदा उससे बन जाएगा उल्टा, और एक हमारा फंदा पहले से ही है, तो देखिए ये दो फंदे उल्टे आ गए। अब देखिए फ्रंट साइड की तरफ से जो फंदे उल्टे आ रहे हैं वो बैक साइड से हमारे सीधे आएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे और इनसे दो फंदे बना लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, अब देखिए दो फंदे सीधे आ जाएंगे, पहले एक फंदा सीधा था, अब देखिए ये दो फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे दो फंदों में पैटर्न आ जाएगा, तो देखिए दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और इनसे दो फंदे बना लेंगे, ऐसे धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, ये देखिए दो फंदे सीधे, अब धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए सेंटर में हमारे ये दो फंदे उल्टे हैं, यहाँ पे हम एक फंदा और उल्टा ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे से देखिए ये जो फंदा है इसको ऐसे उठा लेंगे, ये देखिए ये उठाएंगे और इसको लेफ्ट नीडल में डाल देंगे ऐसे, फिर हमारा यहाँ पे देखिए एक फंदा और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में देखिए सेंटर में तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, ये तीन फंदे उल्टे आ गए। ये देखिए फ्रंट साइड की तरफ से जो तीन फंदे उल्टे आए हैं, ये बैक साइड से हमारे तीन फंदे सीधे आएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, ये तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। नेक्स्ट देखिए दो फंदों में पैटर्न आएगा, दो फंदों से हमने दो ही फंदे बना लेने हैं, ये देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो, अब सिक्स रो में देखिए जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे। इस तरह हमने बैक साइड से अपनी सिक्स रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो, अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने हैं, ये देखिए, और इनसे दो फंदे बना लेंगे, ये देखिए ये दो फंदे एक साथ बुने और इनसे दो फंदे बना दिए, धागा अपनी साइड, ये देखिए तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे,
दो फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड। अब देखिए सेंटर में देखिए जो हमारे तीन फंदे उल्टे हैं, यहाँ पे हम एक फंदा और ऐड करेंगे और ये चार फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये धागा उठाएंगे और इसको ऐसे लैप नीडल में डालेंगे और फिर देखिए यहाँ पे हमारे ये चार फंदे उल्टे हो जाएंगे, एक दो तीन और चार। ये देखिए चार फंदे उल्टे आ गए, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने हैं और इनसे हमें दो ही फंदे बना लेने हैं। ये देखिए धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी सेवन थ्रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से एट थ्रो। अब एट थ्रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं सीधे बुनेंगे, जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह हमने बैक साइड से अपनी एट थ्रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो। अब नाइन्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे दो फंदों में पैटर्न आएगा तो इन दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे ऐसे और इनसे दो फंदे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे स्लिप करने हैं और ये देखिए फिर से एक बार हमने ये दूसरा फंदा उठा लेना है और इससे फिर ये हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा। ये देखिए धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड। अब देखिए ये सेंटर में देखिए हमारे ये चार उल्टे फंदे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम एक फंदा और ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ऐसे ये धागा उठा लेना है और इसको ऐसे लेफ्ट नीडल में डालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक फंदा और ऐड कर लिया तो ये हमारे पाँच फंदे उल्टे आ जाएंगे, दो तीन चार और पाँच। ये पाँच फंदे हमारे उल्टे आ गए, धागा पीछे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे। ये देखिए फिर देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, ये दो फंदे एक साथ बुन लेंगे और इनसे फिर हम ये दो फंदे बना लेंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से टेंथ रो। अब टेंथ रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं सीधे बुनेंगे और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बैक साइड से हमारी टेंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवंथ रो। अब इलेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे दो फंदों में पैटर्न आ जाएगा तो दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये हमने दो का एक किया, फिर दोनों फंदों को स्लिप करेंगे, फिर देखिए सेकेंड नंबर का फंदा ऐसे लेफ्ट नीडल से उठाएंगे और इस फंदे को एक बार और बुनेंगे तो ये दो फंदे आ जाएंगे हमारे। धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे, देखिए ये जो सीधे फंदे हैं इनको सीधा बुन लेना है। ये देखिए ये पैटर्न के दो फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे ये पांच फंदे उल्टे आ जाते हैं तो इन पांच फंदों में से देखिए इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे, एक और दो, ये दो फंदे सीधे बुन दिए। फिर देखिए जो नेक्स्ट फंदा है इस पर हमारा पैटर्न बनेगा तो देखिए नेक्स्ट फंदे के ऐसे चेन में आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था ये उल्टा फंदा बनाना, ऐसे चेन में नीचे आएंगे और देखिए ये एक फंदा बनाया ऐसे, धागा अपनी साइड करेंगे, फिर देखिए उसी होल में सिलाई डालेंगे
ये देखिए ये दूसरा फंदा बना दिया, धागा अपनी साइड, फिर देखिए उसी होल में सिलाई डालेंगे, ये तीसरा फंदा बना दिया, फिर देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और उसी होल में हमने सिलाई डालनी है, तो देखिए चौथे नंबर का फंदा बना लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और उसी होल में हमने सिलाई डालनी है और पांचवें नंबर का फंदा बना लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने पांच फंदे बना दिए। अब देखिए जो हमने ये पांच फंदे बनाए हैं और जो ये नेक्स्ट फंदा है, इन सबको हमने एक साथ बुनना है और एक फंदा बना लेना है। तो देखिए इन पांच फंदों को ऐसे लेफ्ट नीडल में डाल देंगे, ये देखिए, ये ऐसे अब इनका एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए ये एक फंदा बन गया, धागा पीछे ही रहेगा। अब देखिए ये जो दो उल्टे फंदे रह रखे हैं इनको हमने सीधा बुन देना है, एक और दो, ये देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे सीधे फंदे आ जाते हैं, इनको सीधा ही बुनेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। नेक्स्ट देखिए दो फंदों में पैटर्न आएगा, ये देखिए ये दो फंदों में हमारा पैटर्न आ गया, धागा अपनी साइड, लास्ट फंदा उल्टा, एक्स्ट्रा फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 12th रो। अब 12th रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा अपनी ही साइड रहेगा। और देखिए ये नेक्स्ट हमने पांच फंदे एक साथ बुनने, पांच फंदों का हम एक बना लेंगे। ये जो फ्रंट साइड की तरफ से पांच फंदे पैटर्न के हैं जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, इनको हमें एक साथ बुनना है और एक फंदा बना लेना है। ये देखिए ऐसे ये पांच फंदे, ये पांच फंदे एक साथ बुनेंगे बैक साइड की तरफ से 12th रो में, और ये पांच का एक कर लेंगे। ये देखिए ये पांच का एक कर दिया, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए बैक साइड से हमारी ये 12th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 13th रो। अब 13th रो में देखिए हमारा पैटर्न रिपीट होगा, 13th रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए रिपीट रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं और इनसे दो फंदे बना लेने, ये देखिए धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमने पांच फंदों में पैटर्न डालना है, तो देखिए यहाँ पे हम तीसरी सिलाई लेंगे। ये देखिए जो नेक्स्ट हमारे ये दो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको हमने तीसरी सिलाई में उतार लेना है, ये ऐसे उतार लिया और इनको अपनी साइड ऐसे कर लेंगे। फिर देखिए दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो, ये दो फंदे सीधे बुने, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमने ये तीसरी सिलाई में देखिए जो दो फंदे हैं इनको लेफ्ट नीडल में डाल देंगे ऐसे, देखिए ये देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये देखिए
धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, दो फंदों में पैटर्न आ जाएगा। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। 13 रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया। अब बैक साइड से जो 14 रो आएगी उसको हमने सेकंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है। आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।